मेरा बिजनेस डूब गया और मेरे दोस्त ने कर्ज के बदले में मेरी पत्नी के साथ एक रात बिताने की मांग रखी और फिर मैंने एक रात के लिए अपनी पत्नी को इस बात के लिए तैयार करके होटल भेज दिया और मैं उनके बगल वाले कमरे में छुपकर बैठ गया। कुछ समय बाद जब मैंने उनके कमरे में झांक कर देखा, जब मेरे दोस्त ने मेरी पत्नी को पकड़ लिया तो मेरे तो पसीना ही आने लगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो एक, क्या आप जानते हैं, एक पुरुष के लिए सबसे कठिन काम कौन सा होता है? पुरुष के लिए सबसे कठिन काम होता है अपनी ही पत्नी का सौदा करना, और ये सौदा करने के लिए मैं बहुत मजबूर हो गया था। मेरी पत्नी मेरे सामने काले रंग की सिल्क साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। काले लंबे घने बाल, दूधिया रंग और सुंदर बड़ी बड़ी आँखें। उसका ये श्रृंगार हमेशा मेरा ध्यान भटकाता था, लेकिन आज उसका ये श्रृंगार किसी और के लिए है। और सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे ये सब पता था। मैंने खुद उसे इस बात के लिए इजाज़त दी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर नज़र नीचे कर ली। इस समय मुझ पर क्या बीत रही थी ये बस मैं ही जानता था। मेरे दोस्त की गाड़ी बाहर खड़ी थी और उसका ड्राइवर मेरी पत्नी के आने की राह देख रहा था ताकि वो उसे होटल तक छोड़ आए। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे मनहूस रात थी, लेकिन सुबह की रोशनी मुझे मेरे सारे कर्ज से मुक्ति दिलाने वाली थी। लेकिन ये काली रात खत्म ही नहीं हो रही थी। जैसे जैसे रात बीत रही थी, मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ मुझे अपनी पत्नी का चेहरा नजर आ रहा था। मुझे मेरे दोस्त की वो चिढ़ाने वाली हंसी सुनाई दे रही थी और मेरे कानों में अपनी पत्नी के रोने की सिसकियाँ आ रही थी। मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और उसकी आंखों में मजबूरी के आंसू आ रहे थे। मेरा दम घुट रहा था और मैं उठकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो मेरा सिर फट जाएगा। मेरे लिए सबसे कठिन बात थी कि मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ थी। मैं घर के बाहर निकला और सीधे होटल पहुंचा जहां मेरी पत्नी थी। जैसे जैसे मैं होटल के करीब जा रहा था, मेरी हालत और ख़राब होती जा रही थी। मेरी आंखों में मानो खून उतर गया हो और लग रहा था कि मैं अपने ही दोस्त का खून कर दूं। मैं कर्जदार तो पहले ही था, अब खूनी भी बन जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। मैं होटल पहुंचा और रिसेप्शन वाले आदमी को अपना नाम बताया और उसे पूछा कि ये रूम नंबर कहाँ है। तब वो अजीब सा हंसा और कहने लगा कि आज रात के लिए उन्होंने स्पेशल रूम बुक किया है और ये भी कहा है कि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने उस आदमी से कहा कि मुझे उन्हीं के बगल का कमरा चाहिए। मैंने उस कमरे की चाबी ली और वहां से चला गया। दोनों कमरों की गैलरी अलग थी, बस बीच की दीवार एक थी। मैं उस दीवार से कूदकर उस दोस्त के कमरे की गैलरी में पहुंच गया। मेरी जेब में उस समय धारदार चाकू था और मैंने सोच लिया था कि आज उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। जैसे ही मैंने गैलरी का कांच का दरवाजा खोलकर पर्दा एक तरफ किया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे हाथ का चाकू छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर गया। मेरा पूरा शरीर कपकपा रहा था, क्योंकि मेरा दोस्त, मेरा नाम वीर है, मैं एक 25 साल का नौजवान था। मेरे दोस्त की बात सुनकर मैंने नज़र झुका ली थी। हम एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। मेरे सामने कई प्रकार के बर्गर रखे थे। मेरे सामने बैठा मेरा दोस्त मेरी तरफ एकटक देखे जा रहा था और मुझसे कहने लगा कि तुम अच्छी तरह से सोच लो, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें समय चाहिए तो ले लो, लेकिन सिर्फ आज की रात। शायद उसके लिए ये कहना आसान था, पर मेरे लिए ये सुनना बहुत कठिन होता जा रहा था। लेकिन उस समय मैं कर्ज में डूबा हुआ था और इतना कर्जदार था कि अपनी पत्नी के बारे में इतना सब कुछ सुने जा रहा था। मुझे चुप देख कर मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम कुछ खा तो लो, इसके पैसे मैं नहीं लूँगा। फिर वो हंसने लगा और बोला कि तुम इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ये एक नॉर्मल बात है, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरे पार्टनर खुद की बीवियों को होटल के रूम में भेजते हैं। करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट एक रात में साइन किए जाते हैं। तुम भी माला माल हो जाओगे। मैं अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए उसकी वाहियात बातें बस सुने जा रहा था। मुझे बस इतना पता था कि लाचारी और मजबूरी ही इंसान को समाज के रंग दिखाती है। सामने बैठा मेरा दोस्त बड़े ही स्वाद से बर्गर खाए जा रहा था। मुझे याद आ रहा था कि कभी मैं बहुत घमंड में ये तक कहता था
कि जिस आदमी के पास इज्जत प्रतिष्ठा नहीं उसे पुरुष कहलाने का भी हक नहीं है। और आज जो मैं अपनी पत्नी के बारे में सुन रहा था वो मौत से भी कहीं ज़्यादा था। आप लोगों ने कई ऐसी औरतों को देखा होगा जो मजबूरी के कारण दूसरों के सामने खुद को बेचती हैं, लेकिन मैं पहला ऐसा पुरुष होऊंगा जो मजबूरी में खुद की ही पत्नी का एक रात के लिए सौदा कर रहा था। वो पत्नी जो हमेशा भगवान की पूजा में लगी रहती है, आज तक जिसे मेरे सिवा किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। रात बिताने की बात तो बहुत दूर की है, आज तक किसी ने उसे देखा भी नहीं होगा। मुझे आज भी याद है जब हम किसी शादी में जाते थे तो आंचल अपनी ओढ़नी को अपने सिर पर लेकर खुद को ढक कर चलती थी। तब मैं उससे कहता था कि तुम क्या खुद को एकदम ढक मूंद के चलती हो, बाकी की औरतें सुंदर सा मेकअप और सजधज के आती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें भी सुंदर सा मेकअप करके अच्छे से तैयार होना चाहिए ताकि सभी कहें कि वीर की पत्नी कितनी सुंदर है। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहती थी कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ वीर, मुझे लगता है कि तुम्हारे सिवा मुझे कोई और न देखे। आंचल के वो बोल आज भी मेरे कानों में घूम रहे थे, मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। मैं अपनी पतिव्रता पत्नी का सौदा करने निकला था, नहीं मुझे ये सब मंजूर नहीं है। मेरे दिल की बात मेरे मुंह पर आ गई। मेरे दोस्त के हाथ में जो बर्गर था वो हाथ में ही रह गया। एक पल के लिए वो मुझे देखता ही रह गया और बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेरे 90 लाख दे दो। मेरे दोस्त की उदासीनता देखकर मेरे आंसू मेरे गाल पर आ गए। सच कहूँ तो मैं एक कमज़ोर आदमी नहीं था, बहुत मजबूत दिल का था, लेकिन आज मैं अंदर से पूरे तरीके से टूट गया था। मैंने फिर कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था मैं एक रात में नहीं कर सकता। तब वो बोला कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा और वक्त नहीं दे सकता, मेरे पास बस आज की ही रात है, या तो तुम मुझे मेरे पैसे दे दो या फिर इस बात के लिए राजी हो जाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। माहौल ठंडा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा वहाँ दम घुट रहा था। पता नहीं कैसे मैं अपने घर पहुँचा था। रात के 1 बज गए थे, मैंने बेल बजाई और कहा कि मैं हूँ। तुरंत ही आंचल ने दरवाज़ा खोला, कहाँ रह गए थे आप, कब से आपकी राह देख रही हूँ। मैं उसे क्या जवाब देती कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा और दबे पाँव अपने कमरे में जाने लगा। वो मेरे पास आई और बोली कि वीर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द है। अच्छा मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं मैं खाना खा कर आया हूँ। मतलब वहाँ खाने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन मेरे दोस्त की बातें सुनकर मेरी तो भूख ही मर गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली वीर क्यों झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं खाया है, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। मैं खाना गर्म करती हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे। आंचल की यही आदत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी कि वो मेरी आंखों में देखकर मेरे मन की बातें जान लेती थी। शायद पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिर वो खाना गर्म करके ले आई, खाने में था भी क्या, खाने के नाम पर चटनी और सूखी रोटी। मैंने एक नज़र खाने पर डाली और एक नज़र अपनी निष्ठावान पत्नी पर जिसने हर कठिन परिस्थिति में मेरा साथ दिया था। कभी मुझसे कोई शिकायत तक नहीं की कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मुझे शांत देखकर वो मेरी तरफ देखने लगी और फिर सारा खाना उसने मुझे अपने हाथों से ही खिलाया। फिर पूछने लगी कि क्या कहा तुम्हारे दोस्त ने, क्या वो राजी है तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जाने से पहले मैंने आंचल को कह दिया था कि वो मेरी मदद करने के लिए तैयार है, बस भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जो शर्त उसने रखी थी वो मुझे स्वीकार नहीं थी। मैंने आंचल को सिर हिलाते हुए मना किया और कहा कि वो राजी नहीं है हमारी मदद करने के लिए। मेरी बात सुनकर आंचल का चेहरा मुरझा गया था, लेकिन फिर भी मुझे धीरज बंधाते हुए बोली कि आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि वो कल ही पैसे मांग रहा है, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे इतने कम समय में। आप उससे थोड़ा समय और मांग कर देखिए ना, मेरे पास जो कुछ था वो तो सब कुछ बेच दिया है, मेरे पास अब बेचने तक के लिए कुछ भी नहीं था। तभी मुझे अपने दोस्त की बात याद आई जो कहने लगा कि जिसके पास इतनी सुंदर पत्नी हो उसे और क्या चाहिए, तुम अगर अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो तो तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा और तुम माला माल भी हो जाओगे, तुम होश में तो हो, तुम क्या कहे जा रहे हो, मैंने गुस्से में उससे कहा था। और तुमने कब आंचल को देखा, तब वो बड़ी ही अजीब तरीके से हंसा और बोला कि देखने वाले को बस नज़र होनी चाहिए,
चाहे कोई किसी को सात पर्दों के अंदर क्यों न छुपा ले। तुम फल खाओ, पेड़ गिनते मत बैठो। मैंने तुम्हारी पत्नी को कहाँ देखा और कैसे देखा? इन सब बातों को छोड़ो, कितना बेशरम और गिरा हुआ इंसान था वो। अगर मैं कर्जदार नहीं होता तो कब का ही मैंने उसकी कालत पकड़कर उसे मार दिया होता। कर्जदार लोगों की दूसरों की नज़रों में कोई कीमत नहीं होती है। रात में यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही कोई हमारा दरवाजा जोर जोर से बजाया जा रहा था। मेरी और आंचल की आंख अचानक से खुली। दरवाजा खोला तो सामने मेरा दोस्त पुलिस के साथ गेट पर खड़ा था। वो पुलिस से कहने लगा कि इस इंसान को मुझे पैसे देने हैं, लेकिन वो लौटाने से साफ इनकार कर रहा है और इसके पास मुझे देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है, इसलिए इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। वो ऑफिसर मुझे गिरफ्तार करता तब तक आंचल मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि आप इन्हें पकड़ कर मत ले जाइए, ये बेईमान नहीं है, हमें बस थोड़ा समय चाहिए। तब वो हंसते हुए कहने लगा कि मैंने तो चीज़ें बहुत आसान कर दी थी, लेकिन तुम्हारे पति को ही मंजूर नहीं है। ये तो कर्ज चुकाने तक के लायक नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसे मैं कैसे और वक्त दे दूँ? तुम बताओ, क्या तुम मेरे पैसे लौटा सकती हो? तब आंचल कहने लगी कि मैं लोगों के कपड़े सिलकर हर महीने जितना ज़्यादा बन पड़ेगा मैं उतने पैसे आपको दे दूंगी। ये सुनकर वो गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारे पति को मुझे 90 लाख देने हैं, 90 हज़ार नहीं। बाद में वो पुलिस से कहने लगा कि साहब ले जाइए इसे और जेल में डाल दीजिए। तब आंचल उसके सामने हाथ जोड़ने लग गई और बोली कि प्लीज़ आप इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। ठीक है अगर तुम कहती हो तो, लेकिन अगर तुम्हारा पति मेरी शर्त मानता है तो। तब आंचल मुझसे कहने लगी कि आप क्यों इनकी शर्त नहीं मान लेते? मैं इसकी शर्त नहीं मान सकता, तुम्हें कुछ पता नहीं है आंचल, तुम अंदर जाओ। लेकिन शायद आंचल को मुझे पकड़ कर ले जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो फिर से उससे बोली आप चिंता मत कीजिए, मैं राजी करूंगी इन्हें आपकी शर्त मानने के लिए, पर बस आप उन्हें गिरफ्तार मत करवाइए। मेरे दोस्त ने पुलिस वालों को इशारा किया और वे गाड़ी में बैठकर चले गए। तब वो बोला कि हम सब अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। ऐसा कहकर वो घर के अंदर आकर बैठ गया, लेकिन इस बार वो सिर्फ आंचल से ही बातें किए जा रहा था। मैंने वीर से पहले ही कह दिया था कि अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलते हो तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो सकती है। क्या है ना, पैसों के मामले में मैं बहुत ही नीच इंसान हूँ, मैं अपना नुकसान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आंचल बोली कि आप बताएं वीर को क्या करना है। वो आंचल को ऊपर से नीचे तक एक टक देखे जा रहा था और मेरा खून अंदर से उबल रहा था। फिर वो बोला कि क्या तुम्हें वीर ने बताया नहीं कि मैंने क्या शर्त रखी है? नहीं तो, आंचल बोली। तब वो बोला कि अगर आप अपना मन बना लें तो आपके पति का कर्ज बहुत जल्द उतर जाएगा। वो धीरे धीरे आंचल के पास आता जा रहा था। उतने में मैं बीच में आ गया और उसे हाथ से पीछे किया और कहा कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली और तुम अब जाओ यहाँ से, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मुझे पुलिस को दे दो या फिर फांसी पर लटका दो। आंचल रोने लग गई और बोली कि वीर तुम हो तो ही मैं हूँ और मैं तुम्हें सलाखों के पीछे नहीं देख सकती, मुझे पूछने तो दो कि आखिर उनकी क्या शर्त है। आंचल तुम्हें नहीं पता कि ये कितना नीच इंसान है और जो ये कह रहा है वो मैं तुम्हें कभी भी करने नहीं दूंगा। उतने में उसने आंचल को वो शर्त बता दी। आंचल तो ये सुनकर एक बुत जैसी बनकर रह गई। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी गर्दन शर्म से नीचे कर ली। आगे वो कहने लगा कि अगर तुम्हारी पत्नी राजी हो जाती है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया था पर आंचल अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, और जब आई तो रो रो कर उसने अपनी आँखें सुजा ली थी। वो मेरे पास आई और बोली कि तुम तुम्हारे दोस्त से हाँ कह दो। मैं तो उसे हैरानी से देखता ही रह गया, मुझे उससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा कि आंचल मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, तुम अब मेरी परीक्षा मत लो। लेकिन वीर मैं तुम्हें सलाखों के पीछे भी तो नहीं देख सकती ना, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद मेरा क्या होगा? वैसे भी मैं इस घर में असुरक्षित ही रहूँगी ना। आंचल का कहना भी सही ही था कि अगर मैं जेल गया तो मेरे पीछे उसके साथ कुछ भी हो सकता था, फिर भी ये सब करने के लिए मेरा मन राजी नहीं था। मैं कैसे अपनी पत्नी को इस दलदल में धकेल सकता था? जब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो थक हार कर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन
उसने अपने ड्राइवर के साथ एक शाही ड्रेस भिजवाया मेरी पत्नी के लिए, जिसे पहनकर उसे होटल तक जाना था। आंचल के जाने के बाद मैंने अपना फैसला बदल लिया और मैं बेचैन सा हो गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैं होटल पहुंचा। वहां से बगल वाले कमरे की चाबी ली और मेरे दोस्त के कमरे की गैलरी में कूदा। जब मैंने वो कांच का दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य देखकर मैं हक्का बक्का ही रह गया। आंचल मेरे दोस्त की बाहों में थी और कह रही थी कि मुझे तो लगा कि अब हम कभी मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वीर एक बहुत ईमानदार आदमी है और जिस वजह से मुझे भी एक अच्छी और समझदार पत्नी होने का नाटक करना पड़ा ताकि उसे मुझ पर कभी शक ना हो। तभी मेरा वो बेगैरत दोस्त बोल पड़ा, देखा ना मेरा दिमाग, मैंने उसके पैसे और पत्नी दोनों ही हड़प लिए और उस बेवकूफ़ को लग रहा है कि उसने मेरा नुकसान किया है और हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे याद आने लगा, जब वो पार्टनरशिप करने आया था तब मेरे पास अच्छी खासी रकम थी, फैक्ट्री उसकी थी लेकिन पैसे मैंने लगाए थे। मैंने लाखों रुपए के कपड़े खरीद कर फैक्ट्री के गोदाम में रख दिए थे ताकि जल्द से जल्द हम छोटे बच्चों के गारमेंट्स तैयार करवा कर मुनाफा कमा सके। लेकिन एक रात उसका फ़ोन आया कि वीर, फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब कुछ जलकर खाक हो गया था और वो रोते रोते मेरे पास आया और बोला कि वीर, तुम्हारा सारा सामान जलकर खाक हो गया, तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, अब तुम दिवालिया हो गए हो। वीर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सामान को बचा नहीं सका। मैं तो वहाँ बेहोश होकर नीचे ही गिर गया था। मुझे अस्पताल ले जाया गया जहाँ आंचल मुझसे ये कहने लगी कि उसने अपने सारे गहने बेचकर अस्पताल का बिल भरा है और वो मेरा दोस्त ये भी कह रहा था कि तुम्हारे माल को छोड़कर मैंने 90 लाख का माल और खरीदा था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उन दोनों ने पहले ही सारा सामान बाहर निकाल लिया था और जो माल जला हुआ था वो सब खराब था। मुझे ये सब फंसाने के लिए किया गया ताकि मेरी आंखों में धूल झोंक कर ये सब मौज कर सके। खैर, मैंने फौरन अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया, उन दोनों की सारी बातचीत की वीडियो बना ली जिसे मैंने सीधे पुलिस वालों के हवाले कर दिया। पुलिस वालों ने भी पूरी जांच पड़ताल करके और वीडियो की मदद से सबूत इकट्ठे किए और मेरे दोस्त और मेरी जान से प्यारी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों तक मैं डिप्रेशन में था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म को भर देता है, किसी के लिए ज़िंदगी रुकती नहीं है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएँ। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।